अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। चलते हैं अंजुम के किचन में। आज कुछ नया बनाएंगे रेसिपी, चिकन भूना। उसके लिए हमने चिकन को अच्छे से धो के रखे हुए हैं। बहुत इजी है बनाना, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। थोड़ा से फूड कलर ऐड करेंगे, टमाटो सॉस, नमक, इसको सिर्फ 5 मिनट रखना है, फिर दिखाते हैं आगे। हो चुके हैं, हमने निकाल लिए हैं फ्रिज से, फ्रिज में रखे हुए थे। अब हम ऑयल चढ़ाए हैं, सरसों का तेल लिए हैं, हमने 1 तेज पत्ता और दालचीनी डाले ऑयल में। बहुत टेस्ट बनती है, एक बार घर में इसे जरूर ट्राई करिए। फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले पीसे हुए घर के, चिकन मसाला, नमक डाले हुए हैं, थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। फ्लेम जो है लो रखेंगे, इसको ढक देना है। हम इसमें थोड़ा सा मिर्चा पाउडर ऐड करेंगे। पानी नहीं पिए थे क्योंकि दही जो डाले थे फ्लेम लो था, उसकी वजह से गल चुका है। प्याज भी हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब थोड़ा सा 5 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम में। बेहतरीन बनी है, परफेक्ट एकदम बन गई है। पूरा मसाला भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। आप चाहे इसको चिकन फ्राई से बोलिए या चिकन भुना बोलिए, लेकिन एक बार इसको जरूर घर में बनाइए। अब गैस हम बंद कर दे रहे हैं।
ये देखिए हमारे चिकन भुना एकदम स्पेशल बन के तैयार है। बहुत मज़े की बनी है, बहुत लजीज बनी है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, 20 से 25 मिनट के अंदर में बन जाती है। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।